प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चंद्रयान 1 ने चांद पर देश का झंडा फहरा दिया। मेरे पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 से सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, मैं यार आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिछले ब्लॉगों में आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है, और यार आगे भी ऐसी सपोर्ट करते रहे। तो गाइज, करते हैं हम आज की बात। आज तो यार काफी ज्यादा खुश हूं मैं, क्योंकि आज हमें अपने देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिलेगा, और साथ ही उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा, और साथ ही चलने का भी मौका मिलेगा। गाइज, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर यार तुम वीडियो पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो गाइस चलते हैं यार, बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, आ चुके हैं हम लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री जी से मिलने का लिए। भाई मैं तो उतावला हो रहा हूँ, तो बढ़ते हैं यहीं से, आगे चलते हैं। आओ गाइस। और लोग चाहे कि हमको 100% मिलने के लिए मिलेगा, 98% लोग पहले भी इसी तरफ। तो गाइस, आ चुके हैं हम प्रधानमंत्री जी से मिलने, प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो वाइस बढ़ रहे हैं आगे, जा रहे हैं अंदर की साइड। आओ वाइस बढ़ते हैं, फॉलो मी। सो देख लो गाइस, ये है सामने टिकट घर, तो यहाँ से टिकट लेते हैं। सो गाइस, फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। तो अभी प्रधानमंत्री जी की कॉल आई थी मेरे पास, और उन्होंने बोला कि अंदर जाने से पहले टिकट ले लेना, और उनका टाइमिंग भी बताया उन्होंने कि ये जो है सुबह 10:30 बजे से 6:30 बजे तक खुलता है शाम। और गाइस हाँ, ये सोमवार को बंद रहता है, और हफ्ते में किसी भी दिन आ सकते हो तुम। और इसके टिकट प्राइस जो होगा आपका 99 में लेकर और एंट्री, और इसके अंदर जाकर हम तुम्हें दिखाते हैं और सब कुछ इसके बारे में बताते हैं। आओ गाइस चलते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलवाते हैं आपको। चलिए गाइस आइए। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले घुसते ही पहली बिल्डिंग में आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि बारकोड द्वारा होएगा, और यही ऐप आपको पूरे संग्रहालय की जानकारी देगा आपके फ़ोन में ही। तो गाइस, यहाँ हमें ऐसा फील कराया जा रहा है कि हमारे पुराने प्रधानमंत्रियों की जीवन शैली क्या थी। यहाँ पर हमें इस स्क्रीन पर हमारे भारत का संविधान है सभी भाषाओं में, तो आप जिस भाषा में पढ़ना चाहो उस पर क्लिक कर पढ़ सकते हो। यहाँ पर यह नेहरू जी से रिलेटेड सामान है, जो कि आप ये स्क्रीन पर तलवार देख रहे हो, और इसके बरार में ही ये यहाँ पर बैट है, जो कि उन्हें मिला हुआ गिफ्ट में है, और यहाँ पर ये नेहरू जी के पहने हुए वस्त्र भी है। यहाँ पर हर कमरा एक होल की तरह बना रखा है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और आप अपने फ़ोन पर सुन सकते हो उस ऐप के द्वारा। अब देखिए गाइज, यहाँ पर जो है इस वाइट किताब पर नेहरू जी की बायोग्राफी दिखाई जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिजिटल है। अब यहाँ पर नेहरू जी से रिलेटेड ये जो उनका कमरा है, अब यहाँ पर उनकी बैठक होती थी, यहीं पर वो आराम करते थे, और उनका रखा हुआ टेलीफोन भी है यहाँ पर सामने, जिससे वे बात करते थे। और ये सारा सामान बिल्कुल असली है, और जैसे जैसे मतलब कि पहले ज़माने में जो भी था, जैसे भी था, यहाँ पर बिल्कुल रियल रख रखा है। तो गाइस, इस ऐप के बारे में मैंने आपसे शुरू में बात करी थी, जो कि इस स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, ये जो भी इस वीडियो की स्क्रीन पर चल रहा है वो हम इस नंबर को दबाकर अपने फ़ोन में सुन सकते हैं। 22 से बढ़ाकर 45 करने का
1963 में विशिष्ट सेवा मयूर नामक एक विशेष अपरंपरागत पल का गठन। ये जितना भी सामान है, जितने भी हमारे अब तक के प्रधानमंत्री जी हैं, तो ये सामान सारा भारत देशों से उन्हें मिला हुआ गिफ्ट है। खतरनाक टेक्नोलॉजी है भाई, खतरनाक। आज दिल खुशी हो गया भाई, कुछ कह नहीं पा रहा, शब्द नहीं बचे। नितिन गोरा सा दिख रहा है तू भाई, कुछ शब्द बचे ही नहीं यार। इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही ज्यादा। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे होल हैं बैठकर देखने के लिए और इनके बारे में जानकारी लेने के लिए। भाई काफी ज्यादा मजा आ रहा है और आपको सिनेमैटिक में देखने को मिल रहा होगा कैसा है। और यार बताओ यार कमेंट में कैसा लग रहा है आपको भी, और बढ़ रहे हैं अभी तो आपको और सिनेमैटिक देते हैं, चलते हैं आगे, आइएगा। ये हमारी लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा है जो कि धागों से कंचों को लटकाकर बनाई गई है। तो गाइस ये देखिए अशोक चक्र, और ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भाई साहब। आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा स्क्रीन में, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये चीज़। हाय, और चलते हैं हम एसडी। ये देखो लक्की भाई फोन मिला रहे हैं। मैं मिल गया फोन ऐसा भाई। हेलो, और क्या हाल है जी? बढ़िया। अच्छा अच्छा ओके ओके, हो गई भाई बात। और ये देख सकते हो कंप्यूटर, यहाँ पर इन्होंने ये आर्ट गैलरी बना रखी है, और जो स्क्रीन पर इन्हों की सन लिखकर और इस सन में जो भी हुआ था इन सब की जानकारी के मतलब मिलता जुलता यही सब दिखा रखा है। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार कहाँ आ गया मैं, कितनी अच्छी जगह आ गया भाई, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या ही बताऊँ मुझे तो भाई, लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए। सो गाइस प्रमोशन हो चुका है, अभी मुझे नरेंद्र मोदी जी ने ये लेटर दिया है खुद आकर अपने हाथों से, और वहाँ पर वीडियो शूट नहीं करने दिए
क्योंकि वीडियो वायरल वायरल हो जाती है इस वजह से। तो चलते हैं गाइस आगे की तरफ, आइए। सो गाइस वेलकम टू टाइम मशीन, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है। Dr. Bhabha played an influential role in the energy in India's स्वागत है देवी और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं, आज आप एक नए भारत अपनी कुर्सी की पेटी कसें। भाई सबसे मस्त बात तो ये बताने भूलिया, यहाँ पर कैफे भी है, अगर आपको भूख लग जाए तो आप कुछ भी खा पी सकते हो। और गाइस यहाँ पर पानी का भी सिस्टम है, आप पानी तो फ्री में पी सकते हो यार, बोतल लाओ या ना लाओ कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ अगर आप बैग लाओगे तो बैग को आप बाहर ही जमा करके आना पड़ेगा, वहीं पर आप रख लेंगे वो टोकन पकड़ा देंगे, और ये संभाल कर रखना है अपनी, बैग जब्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कैफे की तरफ, आइए गाइस। प्रस्तुत है नव्या की उड़ान, भारत का निर्माण। पांचवी शताब्दी की बात है जब आर्यभट्ट नामक महान गणितज्ञ ने बताया कि पृथ्वी एक अक्ष पर घूमती है। नहीं नव्या, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण ऐसा नहीं होता। और इसी पर प्रकाश डालने वाले थे 12वीं शताब्दी में हमारे गणितज्ञ भास्कराचार्य, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को पहचाना। और प्रख्यात खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर वराह मीर द्वारा रचित सूर्य सिद्धांत में इसका वर्णन भी किया गया है। तो गाइस फाइनली अभी बाहर आए हम, काफी ज्यादा अच्छा लगा यार, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं तो, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठा हूँ और उनके साथ चला भी हूँ, आपने देखा होगा वीडियो में। तो गाइज आप यहाँ पर फैमिली के साथ आ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी और फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा खुश होएगी, क्योंकि यार आप सिनेमैटिक में देख सकते हो आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ की टाइमिंग वाइमिंग सब चीज़ मैंने बता दी है। तो गाइज अब ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आपको पसंद आया हो तो यार लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में और हर जगह शेयर करें। तो गाइज मिलते हैं तुमसे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा, लव यू। नरेंद्र मोदी के साथ कैसी है? Thank you.